को जय यीशु। मरिय दर्शन का कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज अप्रैल 6 तारीख, अप्रैल महीना का पहला शनिवार। आज हम विशेष करके लियोन और गैलिसिया के राजा अल्फोंस के जीवन में हुआ घटना के बारे में सुनेंगे। अल्फोंस राजा चाहते थे उनके दास दासियां सबके सब पवित्र माला विनती करते हुए मां मरियम को आदर करें, उनके सम्मान करें और खुद अपने कमर के बेल्ट में वो एक बड़ा सा रोजरी माला पहनता था। दुख की बात यह है कि वो खुद रोजरी माला प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन इनका रोजरी देखते हुए अपने प्रजा, अपने दास दासियां भक्ति भाव से रोजरी माला करते थे। एक बार इन्हें अति भयंकर बीमारी हुई और मरणासन्न हुआ। मरने पर वो एक दर्शन देखते हैं। दर्शन ये था कि ये राजा ईश्वर का न्यायासन के सामने खड़े हैं और शैतान उनके पापों को एक के ऊपर एक बोलते रहा और उन्हें खोजते रहा। इनके पापों के कारण ईश्वर उन्हें नरक अग्नि में भेजने के लिए तैयार। पर अचानक मां मरियम वहां पर उपस्थित होती है। मां मरियम ने कहा, रुकिए। मां मरियम ने कहा, एक तराजू लाइए। और एक तराजू लाया गया। वो तराजू में उनके द्वारा पहन राजा जो पहन रहा था वो रोजरी माला उस एक साइड में रखा और साथ साथ इस रोजरी माला देखते हुए दूसरे दास दासियां जो प्रार्थना किए, माला विनती किए, वो माला विनती भी उस पर रखे और दूसरे साइड में राजा का पापों को रखा। तब जहां पर जिस साइड में रोजरी माला और जो प्रार्थनाएं रहे वे नीचे आने लगा नीचे आने लगा और जहां पाप था वो ऊपर गया। इस वक्त मां मरियम अल्फोंस से कहती है, देखिए मैं अपने पुत्र यीशु से तुम्हारे लिए यह कृपा मांगी हूं ताकि तुम और भी कुछ साल जीवित रहे, लेकिन जीवित रहना विवेकपूर्ण से तपस्या का जीवन जीना है। और इस दर्शन के अंत में अल्फोंस राजा बहुत जोर से चिल्लाकर उठते हैं कि इस प्रकार मेरे रोजरी माला के द्वारा मुझे चंगा किया कि नरक अग्नि में जाने से मुझे रोका, उस रोजरी माला के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और उस वक्त वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है और साथ साथ वो अपने बाकी जीवन में वो रोजरी माला विनती प्रचार करते रहा। भाई और बहनों, मैं और आप रोजरी माला पहनते हैं, रोजरी माला प्रार्थना करते हैं, ये माला विनती सही में हम दिल से कहते हैं। मैं सुनी हूं जब परिवार में प्रार्थना करते हैं या कोई झुंड में प्रार्थना करते हैं, सब लोग बहुत ही जल्दी करने के लिए कोशिश करते हैं। परिवार में हम देखते हैं अगर टीवी में कोई सीरियल है या कुछ प्रोग्राम है, बहुत जल्दी जैसे कोई ट्रेन पकड़ने जाता है या प्लेन पकड़ने जाता है, इसी तरह बहुत स्पीड में
ये प्रार्थना करते हुए हम देखे हैं। कभी कभार मैं भी यही इसी तरह मैं की। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि ये रोजरे माला, पवित्र माला विनती दिल से भक्ति भाव से प्रार्थना करने की कृपा हमें मिल जाए, क्योंकि यह प्रार्थना, ये रोजरी माला विनती शैतान के विरुद्ध लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। आज हम यह रोजरी माला के कारण हम ईश्वर की स्तुति करें, पिता ईश्वर की स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, पवित्र आत्मा की स्तुति करें, क्योंकि यह रोजरी माला जब प्रार्थना करते हैं पवित्र त्रितो उपस्थित हो जाते हैं। मां मरियम दूतों की रानी है, स्वर्ग का द्वार है। आइए इस मां मरियम के विशेष प्रार्थना के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। मां मरियम संतों से कहते हैं, कहती है, सबसे पवित्र मेरा सबसे पवित्र जेवर है पवित्र रोजरी। आइए हम दिल से पिता ईश्वर को, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, पवित्र त्रितु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हम तेरी आराधना करते हैं, हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज जीसस, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, दूतों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं, मानव के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, मरिया भक्त के भक्तों के साथ हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र त्रितु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थे, अब है और अनंत काल तक सदा रहेंगे, आमीन। आज 14 तारा मां मरियम का मुकुट का 14 तारा क्या है? संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 1 वचन संख्या 47 में हम देखते हैं, ये मरियम का भजन में हम लोग ये देखते हैं, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मुक्तिदाता ईश्वर यानी यीशु मां मरियम के द्वारा जन्म लेने वाला है, ये विश्वास करते हुए वो प्रभु में आनंद मनाती है। इसराइली लोग सालों से इस मुक्तिदाता के लिए इंतजार में थे। कोई ट्रेडिशन कहते हैं मां मरियम प्रार्थना करती थी जब ये मुक्तिदाता ईश्वर कोई युवती के जीवन में, कन्या के द्वारा जन्म लेंगे, वो ईश्वर की माता की दासी बनने के लिए वो चाहती थी। देखिए, लेकिन इनको पिता ईश्वर, पवित्र त्रित्व इनको कितने महान बनाए, लेकिन गर्व करते हुए नहीं, घमंड करते हुए नहीं, ये कहती है कि मैं मेरा मुक्तिदाता, मेरा मन मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ये इसलिए कि पिता का, प्रभु यीशु का, पवित्र आत्मा का प्यार से भरते हुए वही ईश्वर का शक्ति में विश्वास करते हुए उसका मन आनंद मनाता है। आज ईश्वर की मां हमारे लिए मध्यस्थ करती है, स्वर्ग में मध्यस्थ करने के लिए, पवित्र त्रित्व के सामने हमारे लिए मध्यस्थ करने के लिए हमारे लिए एक मां है, जो हमारे मुक्तिदाता की मां है। आइए हम अपने को, हमारे परिवार को,
हमारे इस दुनिया के लोगों को हम माँ के निष्कलंक हृदय में समर्पित करेंगे, क्योंकि उनके हाथों में समर्पित किए गए कोई भी नष्ट नहीं होंगे। विश्वास के साथ हम समर्पण विनती बोलेंगे। समर्पण विनती। मैं सिस्टर अर्चना लुईस, आप सब अपना अपना नाम बोलिए। एक अविश्वासी पापी आज आपके हाथों में अपने बपतिस्मा की शपथ को नवनिर्मित और अनुसमर्पित करती हूँ। मैं शैतान एवं उसके आडंबरों और कामों को हमेशा के लिए त्याग देती हूँ और मैं अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह अवतरित प्रज्ञा को सौंपती हूँ, ताकि मैं अपने जीवन के सभी दिनों में अपना क्रूस उठाकर उनका अनुसरण कर सकूं और उनके प्रति पहले से कहीं अधिक वफादार रह सकूं। हे मां मरियम, समस्त स्वर्गीय दूत और संत गणों की उपस्थिति में मैं आज आपको अपनी मां और स्वामिनी के रूप में चुनती हूँ। मैं आपके दास के रूप में अपने शरीर और आत्मा, अपनी सारी संपत्ति, लौकिक और अलौकिक, यहाँ तक कि अपने सभी सुकर्म, अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्य भी आपको सौंपती हूँ। मैं आपकी इच्छा अनुसार मुझे और जो कुछ भी मेरा है, बिना किसी अपवाद के उसका निपटान करने का पूर्ण अधिकार आपको समर्पित करती हूँ। ईश्वर के असीम युगान युग महिमा हेतु आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेंगे, आमीन। हमारे लिए आज का संदेश, मां मरियम का संदेश, मेरी बेटी विशुद्धि या शुद्धता में रहना, रहने का अर्थ है आत्मा में मौन रहना। बाहर कितना भी आंधी तूफान हो जाए, जो पुरस्कार ईश्वर तुम्हें देने वाले हैं, यह समझने का शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। तुम यहां तक आने के लिए धन्यवाद। भाई और बहनों, फिर से हम मिलेंगे मई महीना में पहला शनिवार। हम अपने को तैयार करें पास्का पर्व मनाने के बाद। अब पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। पंतकुस्त पर्व मनाने के लिए तैयारी करने का समय है। अभी हम मां मरियम के साथ तैयार रहेंगे, ताकि जिस प्रकार मां मरियम और संतों के ऊपर, चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, उसी तरह हम पर भी उतरने के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। मिलेंगे मई महीना का।